जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा एक एक्सटेंशन के बारे में जिसके ज़रिए आप किसी एक लेआउट के अंदर अगर आप कोई कंपोनेंट रखते हैं, जैसे कि मैंने इसमें दो वर्टिकल लेआउट लिया हुआ है। एक वर्टिकल लेआउट की मैंने कलर को एज ए ब्लू सेट कर दिया है और एक दूसरा लेआउट जिस पर हमने रेड कलर सेट कर दिया है, तो उसकी वेट गेट को हमने फुल प्रिंट कर दिया है। तो हमने पहले वाले लेआउट के अंदर दो बटन सेट कर दिया है, तो जैसे ही अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए कि हमारे लेआउट वन की जो भी बटन की जो कंपोनेंट है वो हमारे लेआउट टू में आ जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो हमारा बटन लेआउट टू में आ गया है। तो इस बटन को भी अगर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर वो लेआउट टू में आ गया है वो कंपोनेंट। तो आप कोई भी कंपोनेंट अगर एक लेआउट से दूसरे लेआउट में ऐसे मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक एक्सटेंशन है, तो उसके बारे में ही आज के वीडियो में बात करेंगे। तो अगर दोबारा हम उसमें क्लिक करते हैं तो वो दोबारा हमारा पहले की लेआउट में चला जाएगा। तो इसके लिए हम हमारे थंबनेल के अंदर सबसे पहले हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, तो उसके लिए हम एक यहाँ पे एक्सटेंशन को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक एक्सटेंशन है जो कि है कंपोनेंट ट्रांसफ़र करके, तो इस एक्सटेंशन को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो उसके ज़रिए हम एक किसी लेआउट के कंपोनेंट को दूसरे लेआउट में मूव कर सकते हैं। तो इस एक्सटेंशन को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर दो लेआउट ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दो वर्टिकल लेआउट में ले लेते हूँ। तो उसकी जो बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि एक को मैंने रेड कर दिया और एक को मैं कर देता हूँ ब्लू, और उसकी जो हाइट एंड वेट को मैं एज ए फुल पेरेंट सेट कर देता हूँ। ओके, हमने दो लेआउट ले लिया और दोनों लेआउट को हमने अलग अलग कलर दे दिया है, एक में रेड कलर और एक में ब्लू कलर। तो अभी यहाँ पर हम इसमें दो लेबल हम ले लेते हैं, टॉप में लगा देते हैं, और पहले वाले लेवल में हम दे देते हैं लेआउट वन और दूसरे वाले में हम दे देते हैं लेआउट टू। दोनों की साइज़ को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। तो अभी हम पहले वाले लेआउट के अंदर हम दो बटन ले लेते हैं। ओके, तो इसकी जो पोजीशन को मैं एज़ ए सेंटर में सेट कर देता हूँ और इसकी भी पोजीशन को मैं एज ए सेंटर में सेट कर देता हूँ। तो हमने एक्सटेंशन को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है, तो उसकी जो प्रोसेस है हमें एज ए ब्लॉक सेक्शन में ही सेट करना होगा। तो ऐसे क्या होना चाहिए कि जैसे ही हम बटन क्लिक करें तो एज ए बटन टू हमारे दूसरे लेआउट में चला आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एज आ तीन कंपोनेंट मिल जाता है, जैसे कि हम कंपोनेंट ट्रांसफ़र का कि कंपोनेंट हमें मिल जाता है, जिससे कि हमें यहाँ पे देना होता है कि कौन से कंपोनेंट को एज ए आपको मूव करना है। तो जैसे कि अगर हम बटन वन पे क्लिक करके बटन वन को ही हम ऐसे मूव करना चाहते हैं, तो उस कंपोनेंट की जो लास्ट वाला पार्ट है उसको आप यहाँ पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे आपको सेट करना है कि किस अरेंजमेंट में आपको ऐसे मूव करना है। तो हमने दो अरेंजमेंट यहाँ पे लिया हुआ है, तो हमने जो हमारा सेकेंड वाला अरेंजमेंट जिसमें हमने कोई भी कंपोनेंट नहीं रखा है, तो उसमें हमें ऐसे कंपोनेंट को मूव करना है। तो अभी हम दूसरे जो हमने वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है उसकी जो लास्ट वाला कंपोनेंट है वो हमें यहाँ पे सेट कर देना है। तो अभी हम उसको लाइव टेस्टिंग में हमारे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही हम अगर बटन वन पे अभी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो हमारे जो हमने दूसरा लेआउट लिया है उसमें चला आना चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने बटन वन पे सेट कर दिया था कि वो हमारे दूसरे वाले जो हमने लेआउट लिया है उसमें चले आना चाहिए। तो अगर हम बटन टू को हमने सेट नहीं किया है, तो अगर हम यहाँ पे बटन टू को भी डुप्लीकेट करके सेट कर देते हैं, तो अभी हम बटन टू को भी सेट कर दिया है कि बटन टू क्लिक करने पर भी हमारा जो है दूसरे वाले जो हमने लेआउट लिया है उसमें चला आए। तो अभी हम देखते हैं बटन टू में क्लिक करने पर दोनों बटन यहाँ में चला आए। तो जैसे कि देख सकते हैं दोनों बटन यहाँ पे आ गया है। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि दोबारा वो दोनों बटन यहाँ पे मूव हो जाए, तो उसके लिए हम ऐसे एक लॉजिक लगा सकते हैं
जैसे कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, उस वेरिएबल में हम एक ज़ीरो का नंबर लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम एक मैथ्स का इक्वल कंपोनेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, अगर नंबर जो हमने वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल अगर ज़ीरो होगा तो यहाँ पे हमारा ये वर्टिकल अरेंजमेंट बटन, वर्टिकल अरेंजमेंट वन में हमारा बटन सेट हो जाएगा। तो अगर हमारा जो हमने वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल की वैल्यू अगर ज़ीरो होगा तो हमारा बटन वन यहाँ मूव हो जाना चाहिए। ओके, तो हम दोबारा इफ़ एंड इस कंडीशन लगा देते हैं और इसमें हम सेट कर देते हैं कि अगर इसका वैल्यू वन हुआ तो इसमें हम सेट कर देते हैं, अगर इसका वैल्यू वन हुआ तो हमारा बटन वन दोबारा चला जाना चाहिए वर्टिकल अरेंजमेंट वन में। तो उसमें हम और एक चीज़ सेट करना होगा, तो जैसे ही यहाँ पे चला जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाना चाहिए वन, और दोबारा जैसे ही यहाँ पे चला आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाना चाहिए ज़ीरो। ओके, तो अभी अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं बटन वन में, तो बटन वन पे क्लिक करते ही बटन वन वहाँ चला आया वर्टिकल लेआउट वन में, और लेआउट वन में क्लिक करने पर दोबारा हमारे लेआउट टू में चला आया। तो उस तरीके से आप बना सकते हैं कोई भी अगर कंपोनेंट, टेक्स्ट बॉक्स कोई भी हो। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि किस तरीके से आप एज ए कंपोनेंट्स को मूव कर सकते हैं किसी एक लेआउट से दूसरे लेआउट में। अगर आप एज ए किसी लेआउट की विजिबिलिटी को फॉल्स करके भी रखते हैं तो आपको बार बार कंपोनेंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप एज ए विजिबिलिटी को फॉल्स करके डायरेक्टली एक लेआउट से दूसरे लेआउट में कंपोनेंट्स को मूव कर पाएंगे अपने ब्लॉक सेक्शन में थोड़ा बहुत कोडिंग करने के बाद। तो आज की वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से आप किसी भी कंपोनेंट को किसी एक लेआउट से दूसरे लेआउट में किस तरीके से मूव कर पाएंगे। वो एक्सटेंशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। साथ ही उसका AI फाइल का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।